हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाएंगे नाश्ते में पास्ता। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं और नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा के आगे नोटिफिकेशन के लिए रेडी हो जाएं। तो हम कढ़ाई में तेल गरम करेंगे और उसमें डालेंगे आधा चम्मच जीरा। जीरे के फ्राई होने का वेट करेंगे। जब तक जीरा फ्राई हो जाता है उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च। 3 से 4 हरी मिर्च पर्याप्त होंगी। हरी मिर्च भुनने के बाद में हम इसमें ऐड करेंगे प्याज, फाइनली चॉप। अब प्याज आप ले सकते हैं, एक बड़े साइज का प्याज आप इसमें मिला सकते हैं। इसको फ्राई करेंगे और हल्का भूरा होने तक, यानी ब्राउन होने तक इसमें वेट करेंगे, उसको मिलाएंगे। जब ये हल्का भूरा होना शुरू हो जाए आप इसमें चेक कर सकते हैं। फिर इसमें ऐड करेंगे शिमला मिर्च, एक बड़ी साइज की शिमला मिर्च आप ले सकते हैं। शिमला मिर्च मिलाने के बाद में इसको अच्छी से मिक्स करेंगे। देखिए, हाँ, मैं मिक्स कर रहा हूँ यहाँ पे। इसको मिक्स करने के बाद में कुछ समय के लिए ढककर छोड़ देंगे। 3 से 4 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। 3 से 4 मिनट बाद आप देखेंगे कि शिमला मिर्च प्याज अच्छी तरह से पक चुका है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर, छोटे छोटे पीसेस में काट सकते हैं आप। एक बड़े साइज़ के टमाटर को काट लीजिए, फिर आप इसमें ऐड कीजिए। इससे टमाटर जल्दी गल जाएगा और अच्छे से पक जाएगा। यहाँ पे अच्छे से मिक्स करके टमाटर भी इनके साथ में मिक्स कर लेंगे, जिससे कि टमाटर, प्याज और शिमला मिर्च अच्छे से पक जाए। फिर इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर आधा चम्मच। फिर इसमें ऐड करेंगे मिलाएंगे इसको अच्छी तरह से। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे जिससे कि हमारा मसाला जले ना। फिर ऐड करेंगे इसमें टोमेटो सॉस 2 से 2.5 चम्मच, चिली सॉस 1 से 1.5 चम्मच, जिससे कि इसमें इसका तीखापन, खट्टापन और जो मिठास होती है वो इसमें घुल जाए। अब इनको आपस में मिक्स करेंगे। अब हम डालेंगे नमक। नमक अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, कम खाते हैं तो आप कम डाल सकते हैं, क्योंकि हर स्वादिष्ट खाने का राज नमक ही होता है। इसमें अब ऐड करेंगे पास्ता मसाला। तो मैंने यहाँ पे स्मिथ एंड जोन्स का पास्ता मसाला यूज़ किया हुआ है। आप एक पैकेट पास्ता मसाला यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हैं पूरा। ऐड करने के बाद में आप इसे मिलाएं अच्छे से, जैसे कि पूरा मसाला सभी सब्जियों के साथ में अच्छे से घुल जाए। अच्छे से मिलाने के बाद में हम इसमें ऐड करेंगे बॉईल किया हुआ पास्ता या मैक्रोनी। मिलाने के बाद में अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, जिससे कि सारा पास्ता और मैक्रोनी सब्जियों के साथ में घुल जाए। यहाँ पे देखिए, मैंने अच्छी तरीके से मिलाया हुआ है। अब इससे क्या है कि सारी सब्जियाँ और पास्ता आपस में अच्छे से मिल जाएंगे। इसको 1 मिनट के लिए ओपन ही इस तरीके से पकाएं और मिलाते रहें। फिर इसको 5 से 6 मिनट के लिए इसको ढक दें, इससे कि अच्छे से पक जाएगा। 5 से 6 मिनट के बाद आप देखेंगे कि आपका पास्ता तैयार है। इसको 2 मिनट के लिए मिला लें अच्छे से और आपका पास्ता यहाँ पे तैयार है, सर्व करने के लिए रेडी है। आप अपने नाश्ते को चाय के साथ में, कॉफ़ी के साथ में कभी भी सर्व कर सकते हैं, कभी भी बना सकते हैं। इसको बनाने में 5 से 10 मिनट का समय लगता है। इसको एक अच्छे से प्लेट में गर्मा गर्म तैयार कीजिए और अपना नाश्ता खाइए। हमारी वेज रेसिपीज़ और आपको वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।